एक ओर जहां ऐतिहासिक पटेल मैदान में पुलिस भर्ती शुरू होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों युवा ऐसे हैं जो इस भर्ती से वंचित रह गए हैं। हालांकि इन युवाओं का तर्क है कि इन्होंने पुलिस की भर्ती के लिए विधिवत रूप से ऑनलाइन फॉर्म भरा था, फीस भी जमा करवा दी गई थी और सभी औपचारिकताएं भी पूर्ण की गई थी। बावजूद इसके पुलिस की वेबसाइट से इन युवाओं का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया, जिससे ये युवा भर्ती से वंचित होकर रह गए। इन युवाओं में भर्ती से वंचित रहने पर सरकार को पुलिस प्रशासन के प्रति भारी रोष प्राप्त है। एक और जहां आज से ऐतिहासिक पटेल मैदान में पुलिस भर्ती शुरू होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों युवा ऐसे हैं जो इस भर्ती से वंचित रह गए हैं। हालांकि इन युवाओं का तर्क है कि इन्होंने पुलिस की भर्ती के लिए विधिवत रूप से ऑनलाइन फॉर्म भरा था, फीस भी जमा करवा दी थी और सभी औपचारिकताएँ पूर्ण की थी। बावजूद इसके पुलिस की वेबसाइट से इन युवाओं का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया है, जिससे ये युवा भर्ती से वंचित रह गए हैं। इन युवाओं में भर्ती से वंचित रहने पर सरकार व पुलिस प्रशासन के प्रति गहरा रोष व्याप्त हो रहा है। अपनी समस्या को लेकर भर्ती से वंचित रहे युवाओं का एक प्रतिनिधि मंडल एडीएम मंडी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम मंडी को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की जांच कर एडमिट कार्ड के कारण वंचित रहे युवाओं को भर्ती में शामिल होने का मौका देने की गुहार भी लगाई। भर्ती से वंचित युवाओं का आरोप है कि पुलिस भर्ती के लिए दी गई पुलिस की वेबसाइट सर्वर डाउन होने की वजह से बहुत धीमा चल रहा था, जिस कारण इन्हें 5 से 6 दिन तक कड़ी मशक्कत कर फॉर्म भरना पड़ा। इन युवाओं ने बताया कि सर्वर डाउन रहने के बावजूद पुलिस ने समय अवधि बढ़ाने की बजाय साइट ही बंद कर दी, जिससे कई युवा भर्ती का फॉर्म भरने से वंचित रह गए। इन युवाओं का आरोप है कि जिन युवाओं की फीस जमा हो चुकी है तो इन्हें पुलिस विभाग द्वारा भर्ती से वंचित रखने का कारण समय पर क्यों नहीं बताया जा रहा है। एडमिट कार्ड ना मिलने के कारण पुलिस भर्ती से वंचित रहे इन युवाओं ने भर्ती की तिथि बढ़ाने और इन्हें एडमिट कार्ड जारी कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की परमिशन देने की मांग उठाई है। यहां तक कि युवाओं ने सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और नाराजगी जाहिर की है कि युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। युवाओं का आरोप है कि युवा पीढ़ी ने जयराम सरकार को बहुमत इसलिए दिया था कि वे युवाओं के साथ इंसाफ करेंगे, मगर अब पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली से खफा इन युवाओं ने सरकार की ही कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। इस सर हमारा ये हुआ है कि जो हमारे अभी यहाँ पे भर्ती हुई थी पुलिस की, अब सबने फॉर्म भरे थे, पुलिस के फॉर्म भरे थे, हमने भी साथ में पुलिस के फॉर्म भरे थे। इसमें मेन समस्या ये रही कि इनके टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ एक तो भर ही नहीं पाए फॉर्म को, और जो मेन समस्या रही जैसे कि हमने फॉर्म फिलअप कर दिए, उसके बाद हमने इनकी फीस भी सबमिट कर दी, पूरा प्रोसेस कर दिया, बाद में ये समस्या है कि जब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने लगे तो इनके ये तरफ से नोटिफिकेशन आ रही है कि आपकी फीस नहीं पेड हुई है। इवन कि हमारे पास इसका ट्रांजेक्शन आईडी कार्ड भी है। इनकी जो साइट है उसमें बहुत सारी समस्या चली है, जैसे कि कुछ एक जो स्टूडेंट है उनके एप्लीकेशन आईडी तो आ गए हैं पर उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो उन्होंने एक पीडीएफ जारी करके रखी है। तो तकनीकी समस्या की वजह से मैक्सिमम मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट खड़े हुए साथ में सभी परेशान हैं, और इनको ये करना चाहिए कि या तो भर्ती की डेट एक्सटेंड कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, या तो फिर सबके लिए इनको एक मतलब अच्छा सा एक कोई डिसीजन निकालना चाहिए। जैसे कि अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट स्टेज वाले के मैक्सिमम चल रहे हैं बच्चे, जैसे कि सबकी अभी लास्ट स्टेज चल रही है तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो जा रहा है इस चक्कर में। आप देखोगे तो स्टेट में 28,000 बंदे ऐसे हैं जिनकी मतलब रिजेक्ट लिस्ट आई है, तो आप सोचो 28,000 तो होंगे नहीं जिनके रिजेक्ट होंगे। अब कुछ एक तो फॉल्ट इनकी साइड से भी आया है, तो मेन जो समस्या है कि इनकी साइट से फॉल्ट आ रहा था, इतनी बिजी चल रही थी साइट की, वहाँ पे हम मतलब 6-6 दिन लग रहे थे हमें फॉर्म भरने के लिए भी, और जब बिल्कुल प्रॉपर बात आई तो सभी अपना मुँह छुपा रहे हैं। इवन कि हम डीआईजी सर के पास भी गए पिछले कल, तो उन्होंने भी हमें कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एसपी सर भी ऐसा बोल रहे हैं, हर एक मतलब हमें कोई जवाब नहीं दे पा रहा ढंग का, तो हम किसके पास जाएं। या इसीलिए मतलब हमारा प्रशासन, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि जो हमारी हेल्प तक नहीं कर सके सर, इसलिए अब सोचो वाला 15-2.5 हज़ार बच्चों का फ्यूचर ऐसे बर्बाद हो जाएगा और हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा, इसलिए हम वोट देते हैं पब्लिक के, इसलिए हम सारी पब्लिक खड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि इस चीज को निवारण किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो भर्ती का पोर्टल निकाला हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि सीएम तक ये न्यूज़ पहुंचे और उनको पता चले कितने परेशान हो रहे हैं उनके लोग। आफ्टर ऑल हमने उनको इसलिए तो वोट दिया था ताकि हम अच्छे बेरोजगारी से हट गया, मतलब अच्छा खासा रोजगार मिले, और आज हमारी ये हालत हो रही तो फिर क्या फ़ायदा इन वोट देने का। एक्चुअली हमने पुलिस का फॉर्म भरा था और सारा प्रोसीजर होने के बाद एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं, हमारी फीस सबमिट हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब जब हमने बारी निकालने की आई एडमिट कार्ड, जब सबके आने लगे तो हमने भी निकालने के लिए ट्राई किया तो वो नहीं आए सबके। एक इन्होंने पुलिस वालों ने एक पीडीएफ शो किया है
एक जारी किया, तो उस पीडीएफ में हमारा नाम कहीं भी नहीं है। तो फिर हम आए, हम एसपी के पास गए, डीआईजी के पास गए, सब कुछ किया हमने, पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो बस हम इतना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी भी भर्ती हो, हम भी उसके लिए, नहीं तो हमारा इतना लास्ट स्टेज चल रही है, तो उसके बावजूद हम, जब हमारी भर्ती नहीं होगी, हमारा तो फ्यूचर खतरे में है ना। हम बस हम ये चाहते हैं कि हमारी भर्ती हो जाए, हम बहुत प्रैक्टिस करिए, 3 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास प्रूफ भी है, बैंक का प्रूफ है, आईडी है, एप्लीकेशन आईडी है, आईडी है हमारे पास। तकनीकी खराबी की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं निकल रहा, हमारे एडमिट कार्ड भी निकल रहे हैं, और जो हमें प्रिंट निकालना है अब इनकी साइट बंद हो चुकी है। मंडी में लगभग 1500 तक लोग हैं आसपास। वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलती है ब्रेक के बाद।